आपकी पार्टीज को कुछ और जानदार, चटकारेदार और क्रिस्प बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मज़ेदार कॉर्न रेसिपीज। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन। सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर मेल्ट शुरू होते ही इसमें 1/2 कप ग्रीन बेल पेपर डालेंगे और 1/2 कप मशरूम डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 बोल कॉर्न डालेंगे। मैं यहाँ फ्रोज़न कॉर्न ले रही हूँ। इन्हें हल्का सा भुनेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 टेबलस्पून चीज़ डालेंगे और चीज़ डालने के बाद हम तब तक इन्हें मिक्स करेंगे जब तक चीज़ की कोटिंग कॉर्न्स पे पूरी तरह से ना हो जाए। चीज़ और कॉर्न्स का कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत अच्छा होता है। 1 टेबलस्पून इसमें हम मेयोनीज डालेंगे। ये हमारे चीज़ी कॉर्न्स रेडी हो गए हैं। अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ चाहते हो तो सर्व करते हुए इसके ऊपर चीज़ और डाल दो। जिन्हें चीज़ पसंद है उनको ये बहुत पसंद आएंगे। अब हम बनाएंगे क्रिस्पी कॉर्न चाट। ये पार्टीज की शान है। एक बॉल कॉर्न लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्न्स के ऊपर कॉर्नफ्लावर की कोटिंग पूरी तरह से हो जानी चाहिए। और अब हम कॉर्न्स को डीप फ्राई कर लेंगे। इन्हें साथ साथ हिलाते रहना है ताकि ये आपस में चिपक ना जाएं। कॉर्न्स खाने में तो बहुत टेस्टी होते ही हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत होते हैं। ये हमारे कॉर्न्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें पेपर में निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, उसमें 2 टीस्पून गार्लिक डालेंगे और 1/2 कप अनियन डालेंगे। अनियन को ट्रांसल्यूसेंट होने तक भुनेंगे। अब इसमें 1/2 कप ग्रीन कैप्सिकम, 1/2 रेड बेल पेपर डालेंगे और इन्हें अच्छे से भुनेंगे। सॉल्ट हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे अब इसमें 2 टीस्पून शेजवान चटनी डालेंगे। शेजवान चटनी से हमारे ये कॉर्न्स थोड़े स्पाइसी हो जाएंगे। अब इन्हें मिक्स करेंगे अच्छे से और क्रिस्पी कॉर्न इसमें डाल देंगे। हम इन्हें गरम गरम ही सर्व करेंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद कॉर्न्स इतने क्रिस्पी नहीं रहते। ये हमारे क्रिस्पी कॉर्न्स रेडी हो गए हैं। कॉर्न्स तो टेस्टी होते ही हैं और अगर कॉर्न्स के साथ नाचोस हो तो क्या बात है। चलिए बनाते हैं नाचोस चाट। बहुत ही सिंपल और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। इसमें हम एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तंदूरी मेयोनीज लेंगे, इसमें 2 टीस्पून शेजवान चटनी डालेंगे और 1 टीस्पून चिली गार्लिक सॉस डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें हमने बॉईल किए हुए कॉर्न्स डाल देने हैं। और 1 टीस्पून पेरी पेरी मसाला डालेंगे। नाचोस को क्रिस्प करके इसमें मिक्स कर देंगे। अब इन्हें नाचोस के साथ ही सर्व करेंगे। हेल्दी और यमी रेसिपी विदाउट ऑयल। आप एक बार ये रेसिपीज ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही इजी और इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं। कोई गेस्ट आए तो आप फटाफट बनाकर सर्व कर सकते हो। कॉर्न्स की और रेसिपीज़ के लिए आप कमेंट में बताओ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ